तो हे दोस्तों, वेलकम है आपका फैंटेसी एक्सपर्ट न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। लंदन स्पिरिट्स और मैनचेस्टर रॉयल मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच में जो मैच है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। विमेंस का गेम है जो कि लॉर्ड्स में होने वाला है। तो आपको चीज़ें पता ही है, लॉर्ड्स पे ज़्यादा स्कोर्स बनते नहीं है स्पेशली विमेंस के गेम में, लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंट के जो कुछ मैचेस गए हैं ना, वहाँ 140 प्लस स्कोर्स जो है वो बने हैं विमेंस के अंदर। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किन प्लेयर्स को आपको रोटेट आप लोग करके मेगा ग्रैंड लीग में विन कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल लीग की टीम ऑलमोस्ट सभी की यही बनने वाली है, ठीक है। जिसमें वेट मुनी, रेडमैन है, क्योंकि दोनों विकेट कीपिंग कर रही हैं इसलिए कोई छोड़ने वाला नहीं है। वुल्फार्ट मिलेगी, मैगलैनिंग मिलेगी और ये सारे बॉलर्स मिलेंगे। हो सकता है फी मॉरिस जो है वो आपके अपोनेंट न लेके आए और चार्ली डीन मिल जाए या फिर यहाँ से हीदर नाइट मिल जाए, ये एक चेंज आपको देखने को मिल सकता है। बाकी प्रोबेबली सेम टीम आपका अपोजिशन भी लेके आने वाला है और उसमें कैप्टन वही रहेगा दीप्ति शर्मा और वाइस कैप्टन एक्लिस्टन रहेगा। चलो ये टीम है और इस टीम से आप लोग मान लिया स्मॉल लीग खेले और जीत भी गए, ठीक है। कॉन्टेस्ट लगाया, दो मेंबर तीन मेंबर, उसमें कोई बंदा अलग ही रोटेट करके आ गया और वो हार गया और आप जीत भी गए। लेकिन जब बात आती मेगा कॉन्टेस्ट की तो ये टीम मेगा कॉन्टेस्ट को बीट नहीं कर पाएगी, यानी मेगा कॉन्टेस्ट के प्लेयर को बीट नहीं कर पाएगी। उसके पीछे रीजन क्या बताऊं, क्योंकि आप में से आप जो टीम बना रहे हैं उस 95% लोग यही टीम बनाने वाले हैं। केवल चेंजेस कहाँ रखने वाले हैं, फी मॉरिस के प्लेस पे नाइट और यहाँ पे आपको चार्ली डीन, यही चेंजेस मिलेगा। लेकिन आपको मैं अब एनालिसिस एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो मैं स्टार्टिंग यहीं से कर लेता हूँ। वैसे मैं हमेशा आपको अपना डेटा दिखाता हूँ, लेकिन मैं पहला स्टार्ट करना चाहूँगा अपने यहाँ से एक्सेल शीट की तरफ से जो मैंने आपके लिए बना के रखी है, ठीक है। मैं अपना फेस हटाता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल रहे, ठीक है। यहाँ से एक एक पॉइंट आप लोग बहुत धैर्य से सुनेगा, यानी आराम से आपको सुनने हैं, क्योंकि जो चीज़ें बताऊंगा वो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोग दूसरों से अलग कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लंदन स्पिरिट्स की टीम राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर के अगेंस्ट में कैसा खेलती है, इन्होंने 231 स्कोर किया है, एवरेज केवल डिसेंट रहा है इनका 16.5 का। अगर ये 18 से ऊपर होता तो मुझे लगता है कि नहीं यार चलो हाँ बेटर स्कोर है, लेकिन कम ही स्कोर है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं 16.5 का डिसेंट एवरेज है। वहीं बात करते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, इन्होंने इनका एवरेज जो है वो 5 मैचेस इन्होंने भी खेले 185 स्कोर किया है, ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए ये भी, और 18.5 का ही इनका एवरेज, तो डिसेंट एवरेज है। यानी राइट आर्म मीडियम पेस जो है ना, जो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं उनको तो आपको टीम में रखना है, कौन है मैं आपको हेल्प करूंगा आगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग के अगेंस्ट में कैसा खेलती है टीम्स, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लंदन स्पिरिट जो है वो काफ़ी बेकार खेलती है किसको, लेग ब्रेक बॉलिंग को। अब लेग ब्रेक बॉलिंग कोई है नहीं मैनचेस्टर ओरिजिनल में, केवल सॉफी एक्लिस्टन है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन डालती है, लेग ब्रेक कोई बॉलिंग डालती नहीं है। तो मैं कहूँगा लंदन स्पिरिट्स के लिए एक बेनिफिट जरूर है, क्योंकि उनका एवरेज सबसे बेकार था 7.4 का अगेंस्ट द लेग ब्रेक स्पिन, ठीक है, राइट आर्म लेग ब्रेक, ये ध्यान रखिएगा। अगर लाइनअप्स में कोई लेग ब्रेक बॉलर खेलती है ना तो जरूर पिक कीजिएगा। अगर आपने लास्ट मैच मेरा फॉलो किया होगा ना तो सोफी इस्माइल के बारे में मैंने बताया था और उन्होंने एक विकेट ले लिया था, लेकिन हुआ क्या था, वो गेम शॉर्ट था इसलिए ओवर ज़्यादा मिले ही नहीं। अगर वो पूरा मैच होता ना तो दो विकेट वहाँ कन्फर्म थे, हमारी सबसे बड़ी डिफरेंशियल पिक वो बनती, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और यहाँ से सॉरी मैं चेंज करता हूँ, मैनचेस्टर ओरिजिनल विमेंस है, ठीक है, इन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, 4 ही विकेट दिए हैं, तो मैं कहूँगा डिसेंट सा एवरेज है इनका। तो मेनली आपको ध्यान रखना है लंदन स्पिरिट यानी मैनचेस्टर की कोई लेग ब्रेक बॉलिंग खेलेगी, बॉलर खेल रही होगी तो उसको पिक जरूर करना है। बात आती है किसकी, ऑफ ब्रेक बॉलिंग की, तो लंदन स्पिरिट ने तो बहुत अच्छे से खेला है, 27.6 का एवरेज है इनका, और भले ही इनके पास में रेडमैन है टॉप ऑर्डर में है लेफ्टी बैटर, लेकिन फिर भी इन्होंने बैटर प्ले किया है, 24 लगाए और 1 सिक्सेस लगाया और एवरेज 27.6 का, मैं कहूँगा बहुत बेहतर एवरेज है अगेंस्ट द ऑफ ब्रेक बॉलिंग, ठीक है। तो सामने ऑफ ब्रेक में कौन आपको मिल रही है, ज़्यादा कोई ऑप्शन है नहीं ऑफ ब्रेक में मैनचेस्टर के पास में, ठीक है। अब इनके इनका जो एवरेज है मैनचेस्टर का वो ऑफ ब्रेक के अगेंस्ट में काफ़ी बेकार है, दैट मीन्स कि यहाँ से दीप्ति शर्मा जो है अगेन एक की प्लेयर बनेगी और कैप्टनसी की सबसे सेफर चॉइस जो है वो बन रही है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ से, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ रहा हूँ लेफ्ट आर्म मीडियम, जैसे लेफ्ट आर्म मीडियम में कोई है नहीं, यूएसए की तारा नोरी से बस, तो और वैसे भी ज़्यादा नहीं है तो एवरेज आपको अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। और लेफ्ट आर्म विमेंस के अंदर लेफ्ट आर्मर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, केवल लॉरेन चीटेल जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर पाई थी। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और यहाँ से ये बर्मिंगम फिनिक्स दोनों सही है, चलो ठीक है।
फाइव और सिक्स विकेट्स है दिए हैं लेफ्ट ऑफ स्पिन को। 32.4 का एवरेज है और 21 का एवरेज है लंदन स्पिट्स और मैनचेस्टर का। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हो सकता है एक्लिस्टन जो है वो एक विकेट ही उनको मिले। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इस सीरीज में कैसा टीम जो है वो खेली है बॉलर्स को, इससे आपको क्लियर हो जाएगा यार कि कितने विकेट्स किसको जा सकते हैं, चांसेस हायर रहते हैं क्योंकि अब तक टूर्नामेंट में चलता हुआ है। ठीक है, समझ आ चुका है आपको। अब मैं यहाँ से अब चाहूँ तो आपको टीम बना के बता देता हूँ डायरेक्ट ही, क्योंकि मैं ज़्यादा आपको डेप में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि नहीं आपको चीज़ें बता देता हूँ। चलो ठीक है, आज मैं अपना एनालिसिस जो इतनी मेहनत है उसको मैं रहने ही देता हूँ। यहाँ पे ये देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने बना के बताई थी, मैं आपको स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ आप लोग कर लीजिएगा, देखो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, @FantasyExpertNews सर्च करके जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं इस वेन्यू की बात कर रहा था, इस वेन्यू की मैं बात कर रहा था। 17 मैचेस यहाँ पर हुए, 5 टाइम बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग डिप को एडवांटेज इस वेन्यू पे ज्यादा रहा है। पेस और स्पिन को इक्वली हेल्प यहाँ पर कह सकते हैं मिलती है, स्पेशली वेमेन्स गेम होंगे तो मदद मिलेगी। और बाकी टीम सेम प्लेइंग 11 के साथ में खेलेगी और हेड टू हेड में लंदन स्पिट ने एक विन किया है। प्लेइंग 11 ये रहने वाली है। देखो हमने ये एक चीज नोटिस किया है कि लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट में मैगलैनिंग थोड़ा सा वस्ती है, बाकी ऑलमोस्ट सभी ने अच्छा प्ले ही किया है। ठीक है, ये बात आप लोग नोटिस कीजिएगा। प्लस ये इनके पावर प्ले के बॉलर हैं और डेथ के बॉलर हैं डेनियल गिब्सन, चार्ली डीन और दीप्ति शर्मा, ये बेटर ऑप्शन है। तीनों तीनों डेथ बॉलर को आपको अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहिए। मैनचेस्टर के लिए अगेन यही सेम प्लेइंग 11 के साथ में खेल सकती है, अगर कोई डिफरेंशियल पिक यहाँ से हो सकती है जो वाइस कैप्टनसी के लिए वो है कादिन ब्रैसी, ये एक अच्छी ऑलराउंडर है और बेटर वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन बन जाती है। ठीक है, फी मॉरिस अगर थोड़ा सा ऊपर आएंगी तो और भी ज्यादा बेटर ऑप्शन होगी, लेकिन जितनी भी टीम्स है ना सभी टीम्स का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट द ऑफ ब्रेक बॉलिंग अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, जितनी भी टीम्स है तो ऑफ ब्रेक बॉलर को ज्यादा विकेट मिल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये आप भूलना मत, नहीं तो आप लोग हारने के चांसेस आपके 90% हो जाएंगे। बाकी फी मॉरिस, एक्लिस्टन और किम कार जो है वो डेथ में बॉलिंग करने वाले हैं। हेड टू हेड में कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस किसी ने किया है आप लोग देख सकते हैं। मैं ज्यादा इन पे बिलीव नहीं करता हूँ कि पास्ट में क्या किया है, क्योंकि पिचेस चेंजेस होती रहती है और अलग अलग पिचेस पे खेले हैं। अब जब बात आती है इस वेन्यू के ऊपर, तो वेन्यू पे देखेंगे आप लोग किसी के ज्यादा अच्छे एवरेज नहीं है। पैट मूनी ने एक बार हाफ सेंचुरी लगाया, वो भी फ्लोप रही है, बाकी यहाँ से कोई ज्यादा परफॉर्म कोई कर नहीं पाया। ठीक है, मैगलैनिंग ने जरूर स्टार्ट लिए हैं, 85 यहाँ पर टोटल किया है, एक हाफ सेंचुरी लगाया इस वेन्यू पे। ठीक है, वेन्यू पे विकेट्स किसने लिए हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 9 मैचेस में लिए हैं 13 विकेट्स किसने, सारा ग्लेन जो कि लेग ब्रेक बॉलिंग डालती है। गिब्सन ने 14 में 9 विकेट्स लिए हैं, दीप्ति शर्मा ने 6 में 8 विकेट लिए, चार्ली डीन ने 15 में 8 विकेट लिए और यहाँ से 2 में फी मॉरिस ने विकेट लिए। ठीक है, बाकी किसी का खास परफॉर्मेंस नहीं है। एक्लिस्टन 2 मैचेस में जस्ट एक ही विकेट इनको मिला है और स्ट्राइक रेट 30 का अराउंड है। ठीक है, 30 का अराउंड है और एवरेज भी काफी हायर है, तो ज्यादा विकेट्स नहीं मिल रहे हैं इस सीजन में इनको। बाकी ये तो प्लेयर बैटल वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लेयर बैटल जो कि आपके लिए हेल्प करने वाली। मैं अपना थोबड़ा हटाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, लंदन स्पिट्स के बैटर और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बॉलर कैसा खेल रहे हैं एक दूसरे को। जॉर्ज रेडमैन है अगेंस्ट द पेस, देखिए फंसी है, एक एक बार दोनों ही टाइम्स विकेट दी और सामने होगी स्पिन अटैक में हो सकता है एक्लिस्टन आपको मिल जाए या फिर ऑफ ब्रेक बॉलिंग में आपको फी मॉरिस मिल जाए जो इनके अगेंस्ट में बॉलिंग करती हुई नजर आ सकते हैं और उस कंडीशन में विकेट दे भी सकती हैं। बट एक सेफर ऑप्शन होती है, मैं कहूंगा कि बैथ मुनी और इन दोनों में से कंपेयर करेंगे अभी के टाइम में करंट फॉर्म को देखते हो तो जॉर्ज रेडमैन एक बेटर ऑप्शन है। मैगलैनिंग रखना ही चाहिए आपको, ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, फॉर्मर स्कीपर है ऑस्ट्रेलियन टीम की और एक्सपीरियंस काफी है। हालांकि इन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट में विकेट दिए हैं बट ओवरऑल एक अच्छी पिक होती है। मैगलैनिंग और हीदर नाइट में से कोई एक सिलेक्शन हमारा बन सकता है, गिब्सन रखना पड़ेगा, हीदर नाइट और मैगलैनिंग ये आपकी चॉइस रहेगी। इन दोनों में से एक सिलेक्शन आप लोगों को रखना रहेगा मेगा कॉन्टेस्ट के अंदर। ग्रिफिथ दीप्ति शर्मा में से दीप्ति शर्मा टीम की पार्ट रहेगी और लॉरा वुल्फर्ट बैथ मुनी। ठीक है, इन दोनों में से वुल्फर्ट एक सेफ सिलेक्शन होती है, बैथ मुनी करंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो अब एक ही सिनेरियो हो सकता है कि वो वुल्फर्ट बहुत जल्दी अपना विकेट दे दे, देन उस कंडीशन में ही बैथ मुनी हमारी जो है वो अच्छी सिलेक्शन होगी। अदरवाइज क्या होगा, लॉरा वुल्फर्ट एक बेटर ऑप्शन है, इनफॉर्म बेटर है, अगेंस्ट द स्पिन ये थोड़ा फंसती है, ऑफ ब्रेक बॉलर से दोनों ही वनडे में भी फंसे हैं और चार्ली डीन ने तो 3 बार वनडे में इनको फंसा दिया है और 2 टाइम्स यहाँ पर दीप्ति शर्मा ने भी लिया और T20 फॉर्मेट के अंदर 3 टाइम दीप्ति शर्मा ने लिया, दैट मीन्स कि ये फंसेंगी कन्फर्म। ठीक
है। और दीप्ति शर्मा ने अगेंस्ट बैथमुनी परवशान इनको भी किया है, लेकिन स्ट्राइक रेट 100 अबव है, ठीक है। अगेंस्ट द स्पिन थोड़ा सा फंसती है कौन, बैथमुनी, ठीक है। तो एक ऊपर का आपको ओवरव्यू मिल चुका है कि कौन बॉलर, कौन सा बैटर किस बॉलर के अगेंस्ट में फंसता है। दीप्ति शर्मा, सॉफी एक्लिस्टन, डेनियल गिब्सन बेस्ट होंगी, और कैदरीन ब्राइजे, लॉरा वुल्फार्ट और मैगलेनिंग, ये बेटर ऑप्शन होती है मेगा क्वांटिटी की। मैं चलता हूँ अपनी टीम्स की तरफ, कैसे बिल्ड हो रही है। तो ये टीम तो आपको पता ही है, ये स्मॉल कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, तो यही टीम आपकी बन सकती है। मुझे भी जहाँ तक लगता है यही आप टीम लोग बनाने वाले हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, आप एक तो ये आपके पास में ऑप्शन है कि किम गार्थ, लेकिन विकेट बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं इन्हें, इनको ये भी दिक्कत है। और फिर यहाँ से बैथमुनी, रेडमाइन, ये दोनों टीम है, तो लोग क्या करेंगे, यही सेफर टीम के साथ में जाना प्ले करेंगे। ये टीम बनेगी तो स्मॉल लीग की बनेगी, ठीक है। कैप्टन दीप्ति शर्मा, वाइस कैप्टन एक्लिस्टन है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दीप्ति शर्मा को कैप्टन करने के साथ साथ आप लोग डी गिब्सन को वाइस कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग में थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती है, प्लस बॉलिंग में ये विकेट निकाल लेती है, ठीक है। हालांकि स्ट्राइक रेट इनका भी 30 अबोव ही है, 30 यानी 29 से 30 के बीच में है, लेकिन बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन ये कर सकती है। आप लोग देखिए, मैं बताता हूँ आपको, देखो 15 पॉइंट्स बैटिंग से दिए, 54 पॉइंट्स बैटिंग से दिए, 17 पॉइंट्स और 20 पॉइंट्स, दैट मीन्स कि आपको 20 के अराउंड तो पॉइंट्स दे सकती है विद द बैट, और बॉलिंग से 25 के अराउंड यानी एक विकेट वो ले लिया, प्लस प्लेइंग 4 यानी 50 के अराउंड पॉइंट्स दे सकती है, और 75 पॉइंट्स एज अ वीसी आपको दे सकती है, तो एक बेटर ऑप्शन होगी। आप चाहें तो एक्लिस्टन को कर सकते हैं, क्योंकि 2 विकेट ये निकाल सकती है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे सेफेस्ट कॉम्बो बनता है, एक्लिस्टन प्लस दीप्ति शर्मा का, ठीक है। ये सेफर टीम होगी। एक मैंने रिस्की टीम आपके लिए बनाई है, जिसमें दीप्ति शर्मा मेरी कैप्टन है, वाइस कैप्टन मैंने गिब्सन है, मैंने अवॉइड किया बैथमूनी को, मैंने फी मॉरिस, फीलर, किम गार्थ को लिया है, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग कर रही है, ठीक है। किम गार्थ डेथ में बॉलिंग कर रही है, हो सकता है आज इनका दिन हो और एक आध विकेट लिए लेके चली जाए और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर जाए, या फिर 2 विकेट, कपल ऑफ विकेट्स निकाल ले, तो ये भी टीम है, ठीक है। अब एक कंडीशन ये है कि हमने देखा है यहाँ पे, मैं आपको स्कोर्स बताना भूल गया, रुकिए 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको स्कोर्स दिखाना भूल गया कि यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ से लॉर्ड्स लंदन, इसको आप बड़े आराम से देखना, विमेंस के गेम में आपको मार्क करके बताता हूँ, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। ये तीनों मैच है, 113 बनाए लंदन स्पिरिट्स ने 9 विकेट के लॉसेस पे, 150 बनाए 5 विकेट्स के लॉसेस पे, 147 बनाए 9 विकेट्स के लॉसेस पे, यानी पहले बैट कर रही लंदन तो विकेट्स तो दे ही रही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर चेज करने वाली टीम आई, आप लोग देखिए 1, और यहाँ से वेल्श फायर वुमेन 2, और बर्मिंघम फिनिक्स। चेज करने वाली टीम जो है 2 ही बार जो है वो एक ही बार जो है सक्सेसफुल चेज कर पाई, बाकी फ्लोप रही है। दैट मीन्स कि बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन होगा, और जो टीम बैट फर्स्ट करेगी उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब उस कंडीशन में टीम कैसे बनेगी वो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए लंडन स्पिरिट्स जो है वो पहले बैटिंग कर रही है, देन हम लोग रेडमैन को रख रहे हैं, फिर यहाँ से हीदर नाइट, मैगलैनिंग, लॉरा वुल्फार्ट, ये हमारी तीनों डिफॉल्ट चॉइस बन रही है। अब मैं बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ, किसका, लंडन स्पिरिट्स का, ठीक है। सारा ग्लेन अपनी टीम में रख लिया मैंने, और फिलर क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट कर रही मुनरो, सॉरी मैनचेस्टर ओरिजिन, तो इनको मैंने अपनी टीम में रखा है। किम गार्थ को आप चाहें तो हाँ रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बैटिंग आ जाए। एक्लिस्टन, कैदरीन ब्राइजर, डेनियल गिब्सन, दीप्ति शर्मा, और यहाँ से मैं एक थोड़ा सा चेंज करूंगा, इनको ड्रॉप करके मैं यहाँ से चार्ली डीन को अपनी टीम में रखूंगा, ठीक है। ये टीम हमारी बन जाएगी एक मेगा कॉन्टेस्ट की, जिसमें रेडमाइन है, हिदन नाइट, बैथ मैगलैनिंग है, ठीक है। अब इसमें एक कैलकुलेटिव रिस्क आप लोग क्या कर सकते हैं, कि आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो इनको ड्रॉप करके बैथमुनी को रख सकते हैं, या फिर आप लोग मैगलैनिंग को नहीं ड्रॉप करना चाहते तो वुल्फार्ट के प्लेस पर बैथमुनी को आप लोग प्रीफर कर सकते हैं। तो ये एक टीम बन जाती है मेगा कॉन्टेस्ट की, जिसमें आप लोग अब कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। मेगा कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, टारगेट वही है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक ऑलराउंडर ऐसा हो जो कम से कम 2 विकेट निकाल के दे दे। मान लो अगर मैनचेस्टर जो लंदन स्पिरिट है उन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर किया और लंदन स्पिरिट कम ही स्कोर कर पाई, उस कंडीशन में दीप्ति शर्मा सेफ ऑप्शन होगी। लेकिन इन केस क्या हुआ कि स्कोर भी बना और विकेट्स भी निकल गए, लेकिन स्कोर ज्यादा नहीं बना पाए इंडिविजुअल कोई प्लेयर, और विकेट्स जो है ज्यादा निकल गए, देन उस कंडीशन में एक्लिस्टन बेटर ऑप्शन होगी एज कम्पेयर टू दीप्ति शर्मा। तो हम लोग एक्लिस्टन के साथ में कैप्टन कर रहे हैं, वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा को कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन है कि कम स्कोर बना रही है दीप्ति शर्मा और विकेट्स भी इनको एक आधी मिल रहा है, तो उस कंडीशन में ये टीम आपकी वर्क करने वाली है,
ठीक है। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, सारा ग्लेन, चार्ली डीन और यहाँ से ये के ब्राइजे और डी गिब्सन, ये वैसे ही बॉलर्स नहीं है जो आपको कपल ऑफ विकेट्स निकाल के दें। ये बहुत रेयर केस में 2 विकेट निकालती है, एक ही विकेट निकालती है। तो मैं कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है ना, उन्हीं को आपको अपनी टीम में सीवीसी करना चाहिए, यानी वही जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है। इसमें एक्लिस्टन है, हम लोग मान सकते हैं कि ये 2 से 3 विकेट वाली बॉलर है। दीप्ति शर्मा 2 विकेट नहीं तो 1 विकेट लेके तो बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये दोनों सेफ बनती है। ठीक है, अगर वही ये ODD फॉर्मेट होता, वनडे इंटरनेशनल होता या फिर डोमेस्टिक कप होते, तो हम लोग चार्ली डीन को एज अ वाइस कैप्टन अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अभी तक बेस्ट आया नहीं है, तो उस बेस्ट को ध्यान में रखते हुए, बेस्ट आएगा उसको ध्यान में रखते हुए, चार्ली डीन के साथ में एज अ वाइस कैप्टन कर रहा हूँ। कैप्टन में यहाँ से दीप्ति शर्मा को कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक मेरा मेगा कॉन्टेस्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 विकेट्स फ्रॉम चार्ली डीन। ठीक है, ये मेरा कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। अब इसी के अंदर जस्ट रोटेशन करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ से कैप्टन अपने दीप्ति शर्मा और वाइस कैप्टन यहाँ से कैदिन ब्रंट को, सॉरी कैदिन ब्राइजे को। ठीक है, ये अपनी टीम के कॉम्बिनेशन है, होपफुली आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में शीट्स बताई है, अगेंस्ट द ब्रेक बॉलिंग टीम्स फंस रही हैं, तो आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा यहाँ से। थोड़ा रिस्क लेना अगर पसंद कर रहे हैं तो ये रिस्क आप लोग ले सकते हैं, फी मॉरिस वाला। ठीक है, मैगलेनिंग ये सब आ गए, बाकी फी मॉरिस को अपनी टीम में इंक्लूड अपन ने कर लिया है, ये वाला रिस्क आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और सेफ सीवीसी आप लोग फिर सेलेक्ट कर लीजिए, ये तीनों बेटर ऑप्शन बनते हैं। इनके साथ में आप लोग सीवीसी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा, और कुछ सीखने को मिला है तो जरूर कॉमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। ये अभी नहीं पता चलेगा आपको कि कैसी टीम्स बन रही है, आपको लग रहा है सब कुछ सेम ही है, लेकिन जब आप लोग टीम इन कॉपी करेंगे और फाइनल कुछ चेंजेस से के साथ में आप लोग टीम बनाएंगे अपनी डेडलाइन के वक्त, तब आपको क्लियर पता चलेगा जब मैच कंप्लीट होगा कि नहीं यार परफॉर्म करती है। ज़्यादा आपको रोटेशन नहीं करने हैं, जस्ट एक दो माइनर चेंजेस करने हैं और बस ग्रैंड लीग में उतर जाना है। ठीक है, समझ में आ गया, होपफुली आप लोग बेस्ट टीम्स क्रिएट करेंगे, बाकी टेलीग्राम चैनल पे स्मॉल लीग की टीम आपको मिल जाएगी। थैंक यू।